अभी अभी बड़ी बढ़िया बात सुनने के मिलल रजनीकांता जी की ओर से बतौली भैया भैया बाबा विश्वकर्मा भगवान का बड़ा आविष्कार रहा गाड़ी घोड़ा कौन बनौले गाड़ी घोड़ा ना बनौल लेकिन बहुत कुछ बनौल ये छोट बात है ऐसा विमान बनौल जौने के आप लोग जानत हुआ आज के इंजीनियर बनावे तो जितना सीट उतना लोग बैठे ही कहाँ भुला गया लेकिन बाबा विश्वकर्मा भगवान जो आविष्कार किए थे पुष्पक विमान का नेताजी बताए आप लोग गाते नहीं है हम लोग जानते हैं रजनी जी हम लोग जानते हैं ऐसा नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अरे भैया खाली है रीवा राम सुधार भैया हम लोग की मजबूरी है तो पुष्पक विमान बनाए जितने लोग बैठते थे एक सीट बढ़ जाती थी खाली कभी नहीं होता था बारे बाबा विश्वकर्मा भगवान और गाड़ी घोड़ा की छोट बात हो जवान हो चलो हमारे बड़े भैया हमारे गार्जियन आप श्रीलाल मन यादव 100 रुपए का पुरस्कार छोट भाई संतोष 50 रुपया 20 रुपया भैया देलन ज्यादा समय न लेते हुए हम बताइला धूम दर छरी का आनंद होला जैसे पानी पर लकीर बनैबा तुरंत मिटा जाई बालू पर लकीर हवा मारी भटा जाई पत्थर पर लकीर अगर खिंचा जाए सुधार भैया ना आधी मारे पत्थर पर लकीर मिटाई ना धूम दर आनंद लेके घरे चल जाइबा बिरहा बढ़िया ना हो अरे यार सब सुंदरवा को जनी गंधवा कोनो मतलब के बिरहा सोना के उलन बड़ी बात है क्या और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों को धुन भी नहीं मिलेगी तो भी हमारी मजबूरी है बड़ी बढ़िया गीत रही रजनी जी की ओर से लगा एकदम कांवर लेके चल रही थी धुन कौन थी बाबू बाप अठया झटका गया
राम जी भैया कहाँ भी रहा गावे कौन मेहरारू के विपत लालमन भैया परेशान हो उनकी कुल बात छड़ा भी रहा गावा जे जे आ लोई गौना तुरंत भी रहा गावा ना भैया हाय के छोड़ दे अच्छा खाली से झटका में आवा तुरंत आवा तो भाई को प्रणाम करता हूं 50 रुपया लालमन भैया अब हर मुख के बैठा वो मंच पे चला हो जैसे रजनी जी के मंच पे चला वो जैसे बैठ कर सुना तो हर जा हाँ अच्छा तो हम नाटक न कर थे अच्छा भैया बड़ा हसी मजाक भाई आदेश हुआ कि भाई कल बीरस गला रजनी की वंदना की शुरुआत रही अच्छा तो खड़ा होता बीरस के पैसे का ही भाई बैठल हुआ थोड़ी कुछ के बाद जब गर्म होला मैटर तब न गर्म वाला शुरुआत के बाद बीरस गला न माई के वंदना भाई न कुछ भाई ये बढ़िया बात नहीं है बाबा आ देख रे बाबा चल रही आग पैसाल पे जुर्म की अंकित धरा गुलमती बेड़िया माँ के पैरों में थी चनन कहती है जागो सपूतो जरा जुल्म का अंत करके छुड़ा लो मुझे सुन के अरविंद घुसता कलेजा फटा याद कर पी भी बच्चा क्रांतिकारी बना देशभक्ति लिए जान जंगी तटा मन से होते ही बैठी कुछ लोग ही कहल के दित केवारी खोल के बैठल है हम जात हैं देखम श्याम सुंदर आई हवन रजनीगंधा आई हैं एक थे सुनो फिर चलिए केवारी बंद करके मत रहे खोल ले रहे ये भाई के चल जा अलग बुतौले रहिए न तो बड़ी दिक्कत है कि दूसर में घुस जा कुछ लोग कहल के का गबिरा सुन के केवारी बंद कुछ लोग भाई कहल के सवेर कहवे के सवेर वाले भाई बैठल लिया बड़ी मजा आई गौर करेंगे बाबूजी भाई देखला एक गजल बताया मेरे साथी अंग्रेजों का अत्याचार चल रहा था लेकिन हमारे जवान कैसे एक लाइन गजल उठा गया अंग्रेजों का
शराबी को शराब पीने की दावत मिली है रजनी जी। कहां मिली तो क्या हुआ, तो या श्याम आज अमर सिंह भाई को प्रणाम करता हूं, हमारे धरती से नमन करता हूं। गौर करेंगे बाबू जी, हमारे देश के जवानों ने आवाज दिया, आज रे सुन ले, हिंदुस्तान पर रहने वाला हर सिपाही चाहे जिस भी किसी कास्ट का होगा, हिंदुस्तान उसका है रे। चैलेंज कर दिया जवानों ने, भारत माँ की आवाज को सुना एक अरविंद घोष। हमारी भारत माता गुलाम है, क्रांतिकारी टोली बनाता है जवान। जब जवान तैयार भैलन अपने जवानों को टोली लेकर चले हरियाणा, यही हरियाणा से बैंक डकैती करते हैं, बैंक डकैती के कुछ पैसा इकट्ठा हुआ चले गए बंगाल। बंगाल पहुंचलन बाबूजी, ऐसे मीटिंग करत हुवन, मीटिंग करत हुवन कि अंग्रेजवन से लड़ाई के होता सलाह ना है तो कैसे लड़ल जाये। इकट्ठा हो करके कह रहे हाँ पैसा तो हो गया, अब हम लोग असलाह खरीदते तब दुश्मन से लड़ा जाएगा। ये भैया संजोग की बात, अरविंद घोष का छोटा भाई रमेश घोष जो अंग्रेजों से मिला हुआ था, तब तक देखता कि मेरा बड़ा भाई साथियों के साथ मीटिंग कर रहा है, तब तक अंग्रेज पास पहुंचा था, आए आए अंग्रेज तू क्या कर रहा है रे, मेरा भाई बैंक डकैती करके आया हुआ है और एक मीटिंग करता है, हमें असलहा खरीदना होगा और आपसे लड़ना होगा। आए है, है, है। ये तना बतिया अंग्रेज सुना का बारे बार, बड़े समय से तू आ गया रे इंडियन, कहाँ है तेरा भाई, चल लिया आगे आगे प्रवेश रोज पीछे पीछे अंग्रेजवान से पहुंचलन। ऐसे मीटिंग होत रहा तब तक अंग्रेज सब बाबू चललन, तब तक देखते हैं सभी साथी तो भग जाते हैं, अरविंद घोष मौके पर पकड़ जाते हैं। अरविंद घोष पकड़ा के ले बाबू पकड़ेलन अंग्रेजवा, लेके चल दे गाड़ी में बैठोलन, थोड़ी दूर लेके चलन, कहना साले तू हमसे लड़ने आया है रे, तेरी क्या औकात है मुझसे लड़ने की। अरविंद घोष कहे तुझे पता नहीं है रे मैं भारत हिंदुस्तान का वासी, तुझे पता नहीं है
और बाबूजी कैसे तुझे पता चली? अरविंद घोष पूछा थोवन, कहने तू वतन के लड़ने जा रहा, तेरा भाई हम लोग का मुखबीर है, तेरा भाई हमको बताया। ओ हो, एक्का माई से दुई थी बेटवा पैदा भइल हो, एक थे वतन खाती लड़त हो, एक थे तनियत का कारी का तो सुधार भैया, यही है जमाना। गौर करेंगे बाबूजी, जानकारी हुई तब गीत लगल कैसे। रजनी जी, कोनो लड़का कौनो लड़की से कहो तो देखा भाई रजनी जी बढ़िया नहीं लगा तो मंच पर आवा, ये अच्छी बात नहीं हो। उ लड़कवा कहलस का ठीक नहीं हो, आवा आवा का कहल भैया ये भाई देख ला कौनो मेहरारू को सैया छान के छान है। कौन जी छान के छान है? दारू पिए लेके बाद चिखना ले यार। ओ हो, माने छान के छान है, दोनों पिए? हां दोनों पिए पारी पारा। ओका मतलब का बात है? देसी हिंदी दोनों। ओ हो, मिला के सुधार भैया ये बताओ कौन का मेहरारू को हालत का सुना है भैया, कैसे बदल गए कैसे? अरे सैया मिलो भैया तो बैठा लिया, उतर गया का एक मिनट काम कर दीजिए गणेश। क्या कहा? कहलस जी तनी हमारे भाई के बोलवा दे तो हम जाते न बनी, तने अपने भाई के कुछ संदेशा कह दी, अपने भाई को कुछ संदेशा कह दू। जेलर गया रमेश घोष को बुला लाया, कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे है देखिए क्या चलाकी कर रहा है, लगता मेरे भाई को पता नहीं कि मैं ही गद्दारी कर दिया हूँ। ये भैया भाई देख ला वो समय कैलस का, अरे जेल जाते हो तो रमेश को बुलाया बिना हमारे बड़े भैया जरा आप आए मंच पे, इधर आइए। हमारे बड़े भाई जो जया ज्योति इंटरटेनमेंट के आप निर्माता हैं, बड़े भैया राम जन्म यादव जी, और जिनका आशीर्वाद हुआ कल भैया के भी रहा हमके देखे तब जया ये बेचारे चल करके आए अपनी गाड़ी से सारी व्यवस्था के तहत। एक जो बिरहा छोड़ दीजिए भैया, जोरदार ताली जरा स्वागत हमारे बड़े भाई करिएगा। और एक हफ्ते के बाद यह बिरहा आपको लिफ्ट मिलेगी, जो दाद ताली बजाए राम जन्म यादव के नाम में मेरे साथी, और तमाम गीत आपको मिलेगी भाई की ओर से, कहना नहीं है, बहुत जोरदार नेट पर चलने की तैयारी चल रही है। और यह काम आपको करना होगा, देख के मनी हुआ घंटी वाली बटन जरूर दबाए भैया, और 200 नहीं 2 लाख के भाई को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अवला जैसे ही बुलवाता है कहा कि कहाँ जा रहे, काम में तो चला जा रहा अंग्रेजों के साथ, लेकिन थोड़ा घर को देखना। हाँ भैया ठीक हो, ये करो, थोड़ी सा मौका मिल गई, बगल में अंग्रेज साला था, निकलता अंग्रेज का रिवॉल्वर, भाई सामने खड़ा है, उठा करके चला दिया तट तक सारी गोली अपने भाई के सीने में उतार दिया। ऐसे भाई का जीने का कोई एक हिंदुस्तान में नहीं है। अंग्रेज साला भिखारी या ये हिंदुस्तानी अपने भाई को गोली मार दिया साला, हुआ क्या?
गौर करेंगे बाबूजी, जैसे सिमार देता रमेश घोष दुनिया से अलविदा हो गया, पकड़ लिया अरविंद घोष को लेकर के चल दिया कहां, एक पांव में बधवा देता है, बधवाने बाद कैलाश का तजेलर शंकर खोज थोड़ा बरसाया अरविंद घोष को बढ़वा दिया पावे में, आदेश दे दिया सिपाही को साले इसको इतना कोड़ा मार, इतना कोड़ा मार इस हिंदुस्तानी को, जब तक ये मर नहीं जाता है तब तक उसको कोड़ा मारो। इतना कोड़ा खेलने के बाद अंग्रेज पूछता है रे तू अपने साथी को बता दे तेरे साथ कितने सेठी कहां चले गए, कहां तेरे साथी गए। नहीं यार तू गलत जगह भी मंत्र दे दिया, नहीं मैं हिंदुस्तानी हूं, एक नहीं कई हजार कोड़ा मारोगे लेकिन मेरी जुबान खोल नहीं सकती, ये हिंदुस्तान का रहने वाला जबाद शेर है। अय है बाबू जी देखा हो तब तक भैल का अपने साथी को बता दे, कान नहीं गीत लगा कैसे ला रहा है गौर करेंगे। ए भैया अंग्रेज पूछता है अरविंद घोष आपके वतन का वह जबाज सिपाही आवाज दिया क्या, अरविंद जवान करेंगे। अंग्रेज सवाल करता है साले बता दे अपने साथी को रे, जान नहीं जान चला जाएगा बर्दाश्त कर जाऊंगा लेकिन अपने साथी को बता दो ऐसा नहीं हो सकता है, गुस्से में लाल है साला अंग्रेज किया क्या, आवाज दिया क्या, तमारी बारी छाया अरविंद घोष दुनिया सलविदा नहीं हुए बाबूजी उसी पावे में पधवाया हुआ है, निकाल लिया साला अपना पिस्टल अंग्रेज दिया, अपना पिस्टल निकाल दिया साला, अपने साथी को नहीं बताएगा रे सुन, वही पावा में बाधल हो बाबू अरविंद घोष संजय भैया निकाल करके पिस्टल को साला अंग्रेज सारी गोली सीने में उतार दिया, हंसते हंसते जवान सीधे में गोली खा रहा है,
गोली लगी, 5 मिनट नहीं बीता मेरे साथी तो हिंदुस्तान का सबास बहादुर दुनिया संविदा हो गई। घरवा बिमला देवी धर्मपत्नी के खबर लगल कि हमार पतदेव दुनिया संविदा हो गई, हमार पतदेव दुनिया संविदा हो गई। ए बाबू रोवत है कैसे, धर्म पत्नी के खबरिया लग गई कि हमारे पतिदेव अंग्रेजवा कोड़ा से मरलन, हमार पतिदेव ना ही मरलन, हमारे पति के सीना में अंग्रेजवा सारी गोली उतार देलस, हमार पतिदेव मर गईलन। बिमला देवी रो रही है, बाबू जी तब तक 15 साल के बेटवा मुकुल घोष के खबरिया लगल बहरे से घर में, लंबाई काहे रोत माई बताइबू का बात हमारी, पूछना चाहते हो बेटा आखिर मैं क्यों रो रही हूँ, आखिर क्यों रो रही हो पूछना चाहते हो, सुन ले बेटा क्या बताती है माँ गीत चल। तब मुकुल लाला नावा अरे बिमला माया नवा बतावैला गाली अब बतावैला गाली अपने रोवे के करा नवा बतावैला आखिर में क्यों रो रही हो रे बेटा बताती है का, तो हमारे सजना वालों तो हमारे सजना के जेल रे बेईमानवा बतावैला गली अब बतावैला गली आ बेटा ले लियल सजना पिताजी क्रांतिकारी टोली बना के अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे लेकिन तेरा चाचा गद्दारी कर गया, तेरे पिताजी को बता दिया अंग्रेज उठा के लेके चला गया और तेरे पिताजी को बदवा दिया अंग्रेज उस पारे में, इतना कोड़ा बरसाया तेरे पिताजी जब दुनिया संविदा नहीं हुए अंग्रेज साले मिल करके तेरे पिताजी के सीने में तेरी गोली उतार दिए, तेरे पिता दुनिया संविदा हो गए। पूछना चाहते हो बेटा आखिर क्यों रो रही हो, दुनिया में कोई नहीं है रे बेटा, और कुछ पूछना है तो पूछ ले, इतना बतिया 15 साल के बेटवा मुकुल घोष जब माई के बतिया सुनस करस माई रोवत हो ना, रो मत माई, अगर बाबू दुनिया छोड़ के चल गए तो आर बेटवा जियत हो, और जब तक अंग्रेजवा के मारब ना तो जेलर के मारब ना तब तक संतोष ना होई, बेटवा समझो ना स्टेरी के लिए।
अब कुर्बानी कुर्बानी पर ना रोवाओ जननी, कुर्बानी पर ना रोवा जननी, शहादत अमर रहेगी हम ही हिंदुस्तानी, कुर्बानी पर ना रोवा जननी। अरे बाप रे बाप, बेटवा के बात सुन के महतारी सोच गई, अगर बाप फौलादी तो बेटा भी फौलादी है। लेकिन महतारी एक थे बात गलत का गलत भैया, आज बेटवा बताओ थमाई से सुना, फक्र तुझे होना चाहिए, अरे फक्र तुझे होना चाहिए जननी पद के कुर्बानी पे, बलिदान अगर वैसे हिंदुस्तानी भी तो के घमंड होकर चाहिए कि तुहार पति ये धरती माई खातिर शहीद हो गई, अंग्रेजवा मार दहलन। अय है है कलश, अरे बेटा, अरे बेटा मुकुल, तुहार माई वो करे खातिर ना रोवत थे बेटा, रोवत कौन है खातिर नहीं ला बताओ थे का, बिमला करती बेटा मुझको, अरे बिमला करती बेटा मुझको पति का मरने का गम नहीं, बिमला करती बेटा मुझको पति का मरने का गम नहीं, देश आजाद हो ना पाया बदले के चिंता कम नहीं। ओ बेटा ओ करे खातिर ना रोवत थे बेटा, तोहार बाबू क्रांतिकारी काम तो कैलन लेकिन रोवत तो करे खातिर नहीं ला कि हमार देश आजाद भी ना हो प्रदर्शन कर। अरे बाप रे तनी बतिया सुन के मुकुल हो से थे बात कर कौन जी का कर भैया, जेलर से बदला मैं लूंगा, जेलर से बदला मैं लूंगा, मैं कसम वतन का खाता हूँ, तिलक लगा दे मां बदला लेने मैं चाहता हूँ। कलश की माई रोवा मत चिंता मत करा भाई, तोहार बेटा आदेश कैदा महतारी और विजय के सहारा बाधा तोहार बेटवा तो जेलर वो अंग्रेज के मोह जेलर के मार के आई तब भी तोके मुंह दिखाई। माई गनगन गनगन कापत थे ना रे बेटा ना लाल कैसे ही हो सकेला, दुनिया में मेरे पति दुनिया से विदा हो गए तो मेरे इकलौते बेटा हो तो ये माँ कैसे कर सकती है, राम जन्म भैया कैसे हो सकता है। लेकिन लड़का जिद कर दिया बारी वह माँ आदेश देती है गीत कलाई, भैया 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 हाई देख ला आज जोने सोई बतिया सुनलस, माई करे जा गनगन गनगन कापत हमाई रोवतिया, लेकिन लड़का जिद कर दिया माँ आदेश दे दे माई कैलस का भैया, तो रख के छतिया पर हो तो बजरवा, रख के छतिया पर हो बजरवा, लाल का चुमाई लरवा, तिलक लगाती एक बात गलत कवर ची, अगर बदला नहीं चुकाई बायो माई के नहीं दू पैबा, आदेश दे देती है माँ एक करेजबा पर पत्थर भय के हो बेटवा चलन, तुरंत पहुंचल बाजार में एक गेरुआ वस्त्र पहनते हैं बढ़िया, धोती पहनना गेरुआ के बढ़िया, कुर्ता पहनना गेरुआ आओ पाछे से लेला
हमारे छोटे भाई संतोष भाई प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सब भाई के प्रणाम, 100 रुपए का पुरस्कार। ये भैया झोली बनवैलन और सरगी लहलन, एक तो बढ़िया लल्टेन खरीदलन। जौन बाबू का पिस्तौल रहल, जौन बाबू का पिस्तौल रहल, बाबू का पिस्तौल वही झोलिया में छुपा लहलन, वही झोली में छुपा के चल लहलन। भजन गावत हवन तो कैसे भजन गावे दिन जाना पड़े। भजन गावा चलो धुवन कहले धीरे धीरे एक थे काम ही कर, भजन भी गई पता भी लगे कि अंग्रेजवा का घर जिगरवा का घर कहाँ है। दू काम हुई फायदा हुई कैसे तो भजन गा तो कैसे ला। तो एक दिन जाना पड़ी है छोड़ी के अपन भजन गावत धीरे 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 आगे बढ़त हूँ, पता भी लगावत हूँ। ए भैया पता भी लगावत हूँ कि जवन जेलर रहल, जवन जेलर रह जन हमारे बाबू के मरल ओकर घर कहाँ हो। लाल मन भैया पता लगाता है चलता है, पता लगाते लगाते चला तो गीत खिलाई कैसे हुई चलल हो। कहा एक गांव में एकदम उसी भिखारी रूम पहुंचा, भजन गा रहा है तब तक हुआ क्या, ए भैया चलल हो तब दुआरे ठेगा को भजन का भयल गाय वाला तारू माता पहुंचा, पता लगी कि यही घर है, पहुंचा है दरवाजे पर और वही सरनी बैठ करके गाने लगा। जब सरनी बजा के गा रहा है तब तक उस ट्रेलर के अंदर सुधा देवी आवाज सुनी, कोई जोगी आया हुआ है, कोई जब जोगी आया हुआ है, निकलती है बाहर देखलस से बचवा की उम्र 15 साल, खाली 15 साल है भैया देखलस। वो समय पहुंचल तक कहलस का जेलर की औरत बाहर निकली देखती है जोगी को, बड़ा कुंवर है बेटा, अरे बेटा तू जोगी कैसे बन गया रे बेटा, तेरी उम्र मात्र 15-16 साल की हुए बेटा, तेरे बाप मतारी कैसे हैं, आवाज दिया मुकुल घोष, अरे माता जी मेरे पास कोई बाप माँ नहीं है, झूठ बोल रहा है, कोई नहीं है। बड़ी नरम दिल की थी सुधा देवी जेलर की औरत, कही बेटा आज के बाद किसी दरवाजे भीख नहीं मांगना, भीख मत मांगना बेटा, मेरे घर रहना रे बेटा, तुझे सुबह शाम भोजन मिलना। आए हाय हाय जाना रोगिया भाव तौना वैद बतावे, गौर करेंगे यही तो सोच रहा था, अगर चला जाऊंगा पता लग जाएगी जिस दिन साला जेलर आएगा जो मेरे बाबू जी का हत्यारा है उसके सीने में सारी गोली उतार दूंगा।
गौर करेंगे बाबू तफेल का। जोगी रहने लगा। आठ महीना में तभी ममता देवी धर्म की माँ लालमन भैया कि वो भुला गया मुकुल घोष के अपने माई से वादा कहले हैं कि जेलरवा के मार के लौटम रे माई भूल गया। आठ महीने के बाद वो जेलर लौटा है घर में। गर्मी का समय है, खाना खाने जैसे पहुंचा देख लिया, ये कौन लड़का है, कौन लड़का है, क्या मेरा धर्म का बेटा है। जेलर से बताती है सुधा देवी, ये मेरा धर्म का बेटा है, आठ महीने से मेरे यहाँ रह रहा है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, गर्मी का समय है। धीरे धीरे जैसे देखलन बाबू मुकुल घोष गुस्सा चढ़ल कपारे पर, साला मेरे पिताजी को तूने मारा है ना, झगड़ा मत सो साले, तेरे सीने में इतनी गोलियां उतारूंगा ना, तब मेरे बाप का बदला होगा। ये भैया इंतजार करता है, 11 बज गया, जेलर अब कमरे में सोता है, बगल में उसकी धर्म पत्नी सो रही है, दूसरे कमरे में मुकुल घोष सोया है, दरवाजा खुला है। धीरे धीरे 12 बजा, जब 12 बजल बाबू तो समय देखा मुकुल घोष का लंका जाओ श्याम सुंदर चौहान चुनरिया लहरेदार हो, ललकी की गुलिया लहरेदार की सटल जवान नींद नहीं लगती है वो समय कैलाश का जा आप जिला महामंत्री
पूर्वांचल प्रकोष्ठ के भाई को प्रणाम करके 500 रुपए का पुरस्कार नमन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना है। लेकिन देखा तो नहीं सर विधा का मतलब बाबा। अरे सोया जब जगर जाकर पिस्तौल निकलस मुकुल घोष साले तूने मेरे बाप को मारा है रे, निकाल लिया पिस्तौल को खड़ा हो गया, तब तक दिमाग वहीं से घूम गया, हुआ क्या? पिस्टल को सोचता है साले के सीने में गोली उतार दूंगा, लेकिन तब तक वो धर्म कमाई सुधा देवी के याद आई, यही बगलिए में माई सुचल है, अगर एक मार दे तो धर्म कमाई हमार विधवा हो जाए। राम जन्म भैया हाई धर्म कमाई हमार विधवा हो जाए, लेकर के पिस्टल को खड़ा है रानी पे, लेकर पिस्टल को खड़ा है तब तक धर्म कमाई विधवा हो जाए, हमार धर्म कमाई विधवा हो जाए, तब तक दिमाग वहीं से घूम गया। हाँ जौने माई से वादा कैली, जौन 9 महीना पेट में पाल के पैदा कैलस, वो माई से कसम खैले, अरे माई जब तक चेलर के मार के लौटा बना रे पगली, तबले तोके मुंह ना दिखाई। ए भैया सोचता है एक तरफ धर्म की माँ है, एक तरफ जन्म देने वाली माँ है, आखिर क्या करूं? लेकर के पिस्टल को गन 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 हाथ कांप रहा है, मुकुल घोष का तब तक हुआ क्या? पैदा के लसू उसे कसम खैले हिला, ये सोच रहा है तब तक बाबू जी गन 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 हथवा कापत बोलिया ना चलत मुकुल घोष कहो, तब तक हुआ क्या? वो जेलर साला चक गया, देखता है पिस्टल हाथ में लिया ये लड़का, ये जोगी है लड़के, ये क्या है रे ऐसा ले के कापत हो, आंख में आंसू हो, का कहलस?
गजब हो गया है लड़के राजा भी। पिस्टल को किसके ऊपर तान के रखा है रे? आंच से आंच चलो तो झरझर झरझर। बताओ थुवन, तू मेरे बाप का हत्यारा है रे चेलर, लेकिन ये पिस्टल क्यों नहीं चला, बताता है क्या? इतना गोली मारा है कि मेरे बाप दुनिया से अलविदा हो गए ना। मैं तुझे मारने के लिए 8 महीना तेरे घर काट लिया, लेकिन तेरे बीबी की ममता एक धर्म का बेटा मान करके मेरी सेवा की। अगर तुझे मार देता तो मेरी धर्म की माँ विधवा हो जाती ना, मेरी धर्म की माँ विधवा हो जाती। और सुधा देवी उस जेलर की औरत बाहर निकली, देखती है जोगी को। बड़ा कुंवर है बेटा, अरे बेटा तू जोगी कैसे बन गया रे बेटा? तेरी उम्र मात्र 15-16 साल की हो गई बेटा, तेरे बाप मतारी कैसे हैं? आवाज दिया मुकुल घोष, अरे माता जी मेरे पास कोई बाप माँ नहीं है, झूठ बोल रहा है, कोई नहीं है। बड़ी नरम दिल की थी सुधा देवी जेलर की औरत, कही बेटा आज के बाद किसी दरवाजे भीख मत मांगना, भीख मत मांगना बेटा, मेरे घर रहना रे बेटा, तुझे सुबह शाम भोजन मिलना। आए हाय हाय, जाना रोगिया भाव तो ना वैद बतावे। गौर करेंगे, यही तो सोच रहा था अगर चला जाऊंगा पता लग जाएगी, जिस दिन साला जेलर आएगा जो मेरे बाबू जी का हत्यारा है उसके सीने में सारी गोली उतार दूंगा। गौर करेंगे बाबू तब है का। लालमन भैया की भुला गया मुकुल घोष की अपने माई से वादा कहले है कि जेलरवा के मार के लौटम रे माई, भूल गया। 8 महीने के बाद वो जेलर लौटा है घर में, गर्मी का समय है, खाना खाने जैसे पहुंचा देख लिया, ये कौन लड़का है, कौन लड़का है? ये मेरा धर्म का बेटा है, जेलर से बताती है सुधा देवी, ये मेरा धर्म का बेटा है, 8 महीने से मेरे यहाँ रह रहा है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं है, गर्मी का समय है, धीरे धीरे
जैसे देखलन बाबू मुकुल घोष गुस्सा चढ़ल कपारे पर, साला मेरे पिताजी को तूने मारा है ना, झगड़ा मत सो साले, तेरे सीने में इतनी गोलियां उतारूंगा ना, तब मेरे बाप का बदला होगा। ये भैया इंतजार करता है, 11 बज गया, जेलर अब कमरे में सोता है, बगल में उसकी धर्म पत्नी सो रही है, दूसरे कमरे में मुकुल घोष सोया है, दरवाजा खुला है, धीरे धीरे 12 बजा, जब 12 बजल बाबू तो समझ देखा मुकुल घोष का इलंका जाओ। यही रे टिकुड़िया पे 3 जने के रख ले बानी, मुद्दा पर लिखा जाए, यही रे टिकुड़िया पे 3 जने के रख ले बानी, हाँ सूर्य श्री श्याम सुंदर चौहान। जवान नींद नहीं लगती है, वो समय कैलाश का जा और हमारे बड़े भैया श्री अजय चौहान आप जिला महामंत्री पूर्वांचल प्रकोष्ठ के भाई को प्रणाम करके 500 रुपए का पुरस्कार नमन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना है, लेकिन देखा तो नहीं सर विधायक मतलब बाबा। अरे सोया जब जगर जाके मुकुल घोष, साले तूने मेरे बाप को मारा है रे, निकाल दिया पिस्टल को, खड़ा हो गया, तब तक दिमाग वहीं से घूम गया, हुआ क्या? सोचता है साले के सीने में गोली उतार दूंगा, लेकिन तब तक वो धर्म कमाई सुधा दीदी के याद आई, यही पगलिए में माई सुचल हो, अगर एक मार दे तो धर्म कमाई हमार विधवा हो जाए, राम जन्म भैया हाई धर्म कमाई हमार विधवा हो जाए, लेकर के पिस्टल को खड़ा है रामी के, लेकर पिस्टल को खड़ा है तब तक Come on!
आई मार गे बोलिया धर्म हमार धर्म कमाई विधवा हो जाई, हमार धर्म कमाई विधवा हो जाई। तब तक दिमाग वहीं से घूम गया हूँ जौन माई से वादा कैली, जौन 9 महीना पेट में पाल के पैदा कैले वो माई से कसम खैले। अरे माई जब तक चेलर के मार के लौटा बना रहे पगली तबले तुके मुँह ना दिखाई। ए भैया सोचता है एक तरफ धर्म की माँ है, एक तरफ जन्म देने वाली माँ है, आखिर क्या करूँ। ले करके पिस्टल को गन 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 हाथ दाप रहा है मुकुल घोष का, तब तक हुआ क्या पैदा कर उसे कसम खैले हिला। ये सोच रहा है तब तक बाबू जी गन 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 हथवा कापत बोलिया ना चलत मुकुल घोष कहो, तब तक हुआ क्या। वो जेलर साला चक गया, देखता है पिस्टल हाथ में लिया ये लड़का ये जोगी। अरे लड़के ये क्या है रे, ऐसा ले के कापत हो आंख में आंसू हो का कहलस। गजब हो गया है लड़के राजा भी पिस्टल को किसके ऊपर तान के रखा है रे, आंख से आंख चलो तो झरझर झरझर बताओ थुमन तू मेरे बाप का हत्यारा है रे चेलर, लेकिन ये पिस्टल क्यों नहीं चला बताता है क्या। मारने के लिए 8 महीना तेरे घर काट लिया, लेकिन तेरे बीबी की ममता एक धर्म का बेटा मान करके मेरी सेवा की। अगर तुझे मार देता तो मेरी धर्म की माँ विधवा हो जाती ना, मेरी धर्म की माँ विधवा हो जाती। और 17-15 से भाई को प्रणाम करता हूँ, बड़ा बढ़िया पान लगाते हैं भाई, एक बार जो पान खाएगा दोबारा दौड़ करके आएगा। भाई को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, चुना ढेर लगा मैंने, दौड़ करेंगे बाबू जी हुआ का आखिर में।
बात को सुनती है सुधा देवी और धर्म के बेटे को अपनी गोद में लिपटाती है, कही बेटा चल मेरा पति हत्यारा मारने वाली नहीं रे माँ, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। उस समय देखा हुआ क्या सुधा देवी कही गौर करेंगे सुधा देवी जेलर के साथ मुकुल घोष लेकर के बिमला के घर पहुंची। जब बिमला के घर पहुंची बिमला देख रही है क्या मेरा बेटा मुकुल घोष एक औरत के साथ, ये वही जेलर है जो मेरे पति को मार दिया था, ये वही जेलर है। गुस्सा में लाल है बिमला देवी, आए बेटा नाला था तुझ पे, मुझे कसम खा के गया था ना, कसम खा के गया था ना कि मार करके लौटूंगा, नाला के तेरे जैसे बेटे को लालमन भैया ये तना बतिया सुन के बाबूजी। तब तक सुधा देवी पकड़ लेती है बहन, मेरा पति तेरे पति का हत्यारा है, मार ले गोलियां, मार ले गोलियां। सुधा देवी का बतिया सुन के बिमला देवी देखा रजनी जी औरत का करेजा बड़ा कोमल होला हो, बड़ा कोमल होला, बड़ी कठोर भी होली, जब गुस्सा हुई कम नरवैया बुझी न पाई। गौर करेंगे बाबू जी कितना पतिया सुनती बिमला देवी सोच गई मेरा पति तो दुनिया से विदा हो गया, मैं तो विधवा हो गई, अगर इस जीनर को मारा जाता है ये भी मेरी बहन धर्म की बाली भी विधवा हो जाएगी। क्या सोच है बाबू गौर करेंगे जा। गौर करिए बाबू बड़ी अनमोल बात है, आज इतना पतिया सुधा देवी को सुन के हमारे आखिरी पॉइंट हो बिमला देवी एक थे बात करी सुधा देवी से कौन ची बिमला बोले सुधा से कैसे मिटाई सुहागवा तेरे सुहाग को मिटाऊ रे पगली, आज से ये मेरा बेटा मुकुल घोष तेरे पास कोई औलाद है कि नहीं? नहीं मेरे पास कोई औलाद नहीं है रे पगली, नहीं कोई औलाद है बहन। बिमला देवी क्या फैसला लेती है बताई, कही है बहन तू मेरी धर्म की बहन है रे, अगर तूने मेरे बेटे को धर्म का बेटा मान ही लिया तो आज से ये मेरा बेटा तेरे घर का भी बेटा होगा, मेरे घर का भी बेटा होगा। गौर करेंगे बाबूजी, बगल में जेलर बैठा हुआ हिंदुस्तानी जेलर साला, सुना दोनों औरतों की बात सोच गया मैं तो बड़ा गलत कर दिया, मैं बड़ा गलत कर दिया, वहीं से बाबूजी छोड़ दिया, चल दिया वहीं से जवान क्रांतिकारी बना बिरहा गया। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बांका स्वर्ग चंद्रिका कबीर